हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो आज आपको खुशखबरी बतानी है कि मेरा फ्रेंच लेवल A2 पार हो चुका है और आज मेरा पहला B1 का क्लास है। और काफ़ी मुश्किल था यार A2, यार बड़ी मुश्किल से लिखना का बहुत पड़ता है इस चीज़ में, और B1 तो खैर और टफ है। तो आज शाम को मेरी क्लास है, क्योंकि अर्ली क्लास टाइम मैंने चेंज कर दिया। दिन में थोड़ा काम पर जाऊँगा और रात को क्लास पर जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं काम की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद मेट्रो लूँगा। इनफैक्ट यहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ से जो क्लास है वो थोड़ा तो और दूर है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से तो डायरेक्ट ट्रेन है, उसके बाद एक मेट्रो बदलनी है। बट क्या देखते हैं, और उनका रात है उस एरिया में, ठंड भी बहुत होती है। तो देखता हूँ यार कैसा होगा पहला दिन। क्या थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। मैंने यकीन नहीं आया यार मैंने यहाँ तक पहुँच गया, बस अब B1 पार करके। सो एटलीस्ट B1 मिल गया ना मेरे को, फिर फ्यूचर में अगर नेशनलिटी अप्लाई कर देना तो मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचा कम से कम B1 लेवल तक तो ले ही लूँ, बाकी तो स्काई इज़ द लिमिट। B2, C1, C2 सब करेंगे भगवान की दया रही तो। तो चलते हैं, ठंड बहुत होगी। तो यार बहुत भीड़ थी मेट्रो में, बहुत धक्के खाए, क्योंकि हमेशा मैं संडे को आता था, हमेशा मेट्रो खाली होती थी। आज मैं देखी भाई अच्छी भीड़, तभी लोग चढ़ते पाए इस पर मेट्रो पर, इतनी भीड़ रहती है हमेशा। तो निकलते हैं बाहर। अच्छा, मैंने पहले एडवांस में 4-5 टिकट पहले ले ली, क्योंकि नेवी को पास में यूज़ नहीं करता, क्योंकि उतना यूज़ नहीं है एक्चुअली मेरे को, उतना ट्रैवलिंग मेरा है नहीं इसमें। मैंने फिर पास ही ले लिया, और आए दिन तो मशीन यहाँ की ख़राब रहती है, तो मैं कहा जहाँ मिल सकता ले लूँ। तो निकलते हैं बाहर, आपको नज़ारा देखते हैं पहले क्लास के बाद। तो भाई जस्ट कोर्स ख़त्म हुआ, एक्चुअली हमारी टीचर भी काफ़ी लेट आई थी, रोड ट्रैफिक में बेचारी फंस गई थी। और अब देखो जैसे निकला एकदम सन्नाटा, ना बंदा ना बंदे की कोई जात क्योंकि ठंड है सब भाई भाग्यों के घर पे, सड़कें भी एकदम काफ़ी खाली। मैं सोच रहा हूँ कुछ नया कहीं जाऊँ, दूसरी जगह रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा ट्राई करूँ। और टिकट है मेरी, बस अपना डालते हैं। ठीक है, खुल गया। हाँ, तो मैं सोचता हूँ मेडिटेरेनियन फूड खाऊं, जैसे लेबनीज हो गया, इजरायली फूड हो गया, ये खाने का मन करता है। तो मेरा जाके देखता हूँ बस मेट्रो भी खाली हो। इनफैक्ट इस टाइम सारी खाली भी रहेगी ऑब्वियसली। अब देखो मेट्रो स्टेशन जाते हैं, पूरा सन्नाटा ही आ रहा है। इस टाइम का भी देखा आपने, मेरे को भी वीडियो में हमेशा भीड़ होती है, बट ऑब्वियसली यार रात के 9:30 बजे लोग घर पहुँच गए, सो भी गए होंगे। इनफैक्ट जैसे बेवकूफ़ी घूम रहे हैं, नहीं स्टेशन में तो लोग हैं। तो अभी मैं फिलहाल उतर गया दोस्तों शतले स्टेशन पे, और यहाँ पे बहुत चलना पड़ रहा है। समझ में 3-4 ऑलमोस्ट ब्लॉक्स क्रॉस करके मैं मेट्रो लाइन 7 से मेट्रो लाइन 1 पे जाना है। जो रेस्टोरेंट स्टेशन खुला है वो थोड़ा उसी एरिया में खुला है, तो मैं कहा चला कोई बात नहीं ले लेते हैं। अभी भी देखो काफ़ी चलना पड़ा है, ये M4 की ये डायरेक्शन है, मेट्रो लाइन 4 वहाँ से निकल गया। अभी खाली है, हाँ मुझे जाना है M1 इस डायरेक्शन में, ये तो चलें सर। देखा कितना चलना पड़ रहा है, बट जो भी है खाना कुछ डिफरेंट खाना है, खाने के लिए तो सब कुछ माफ, सब खून माफ। तो वही आपके लिए भी एंटरटेनमेंट कर दूँ मैं। और मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन आउट हो रही है, बताइए चार्ज की बैटरी में क्या दिक्कत हो रही है। चार्ज करता हूँ 15 मिनट में चार्ज हो जाता है, लेकिन फिर एकदम से डेड भी हो जाता है। तो हमें एक दो डायरेक्शन है, लादिफंस और ये है चतुर्देवांसंस, इस डायरेक्शन में जाना है। ये हमने जस्ट एग्जिट किया, ये है पेरिस 4, और देखो किताब चमचमा रहा है इस टाइम पे भी। ये मैं सरप्राइज हूँ वनडे को यार इतनी भीड़ नहीं है, जबकि भीड़ होती है। और ये देखो साइकिल्स, लोग यहाँ पे साइकिल्स प्रेफर बहुत करते हैं इस एरिया में। और यहाँ पे घर मिलना तो भाई साहब बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि आप देख सकते हैं एरिया कितना बढ़िया सा है ये। तो हम चलते हैं फिर अपने रेस्टोरेंट के परस्यूट में, लेट नहीं होना ऑलरेडी, क्योंकि 10:30 तक तो बंद हो जाएगा वो। तो आप देख सकते हैं भाई ये ठंड का असर ही है, वरना पेरिस कहाँ इतना ठंडा मिलता है, कोई इतनी चहल पहल वाला शहर है। बट वही ना 8-8 तक लोग अपने घरों में घुस जाते हैं, क्योंकि लिटरली रात को बर्फ़ पड़ती है। और मेरे ऐसे कुछ पागल ही घूम रहे होंगे इस टाइम पे सर ना पाओ, बट क्या एडवेंचर है, एडवेंचर होता है ऐसी चीज़ जाके, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। तो बस 3 मिनट दिखा रहा है चलना, आई होप कि मैं टाइम पर पहुँच जाऊँ। और खा पी मैं आया खाने का, अच्छा होंगे शायद रास्ता दिखाओ आने का, घूमना जाऊँ। तो बस अब पहुँच ही गया ऑलमोस्ट।
तो गाइस हमारा पोपट हो गया, रेस्टोरेंट एक्सपेक्टेड बंद है क्योंकि इनफैक्ट क्योंकि आप देख रहे हैं ना सारा स्ट्रीट में सन्नाटा है। हालांकि गूगल में लिखा था 11 बजे तक खुला है, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि यार पब्लिक ही नहीं आएगी, क्यों फालतू था खोल कर रखना, तो उन्होंने किचन विचन सारा बंद कर दिया। मैं चलो कोई बात नहीं, ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, आज नहीं तो कल किसी और दिन खा लेंगे, सुबह आके खा लेंगे। तो फिर चलते हैं यार घर की तरफ, कुछ और अपना ही देख लेते हैं और क्या। काफ़ी हैरानी की बात है यार, 9:30 बज गए और सड़क पूरा सन्नाटा, रेस्टोरेंट सारे बंद, वरना गर्मियों में तो ये पूरा जो गली है ऐसे चकाचक भरा होता है वो भाई साहब भीड़ से। मैंने चेक किया जितने भी रेस्टोरेंट में, अभी कॉल करो सबको, सबका बंद, सबका टाइम दिखा रहा 11 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन अभी ठंड में सबने बंद कर दिया। लेकिन गेस करो कौन सा रेस्टोरेंट खुला होगा, हमारे देसी रेस्टोरेंट, इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो ऐसे खुले हैं, उनको बस फोन करो वो तो बोले कि अरे जी आओ जी तुसी आओ तो सही हम हैं जी, बस उनको पता है क्योंकि ये भाई इस टाइम सारा रेस्टोरेंट बंद होगा, इनके खुले खुले होंगे तो भागो वहीं पर ही खाने के लिए। हाँ तो और इंडियन रेस्टोरेंट चलता भी अच्छी तरह यहाँ पे मैरिज में, नो डाउट अच्छा लोगों को पसंद है, लेकिन आज मेरा इंडियन खाने का मन नहीं कर रहा, भूख लग रही है। इंडियन खाना मैं घर जाकर मैं आलू उबाल के खा लूँगा और क्या, आलू में थोड़ा मसाला डाल के बस हो गया जी इंडियन। हाँ प्यारी प्यारी जगह है, ये भी शायद कहीं चर्च है क्या, पता नहीं क्या, जो भी हो। हाँ दिन में घूम गया स्क्वायर ऐसी ऐसी जगहों को, रात को घूम रहे, खैर रात की भी अपनी ब्यूटी है नो डाउट। तो गाइस रात के 11 बज गए हैं और मैं अब जस्ट अभी घर पहुँचा हूँ, आप देख सकते हैं मैं कितना थका हुआ हूँ, और मैंने फ्रिज खोल कर देखा और अनफॉर्चुनेटली फ्रिज में कुछ नहीं था, सिर्फ एक दही पड़ी थी और एक सब्जी शायद कुछ पड़ी, कुछ मैंने पुरानी कोई सब्जी किसी और बगल वाले रूम में पड़ी थी, तो मैंने तो चुपके से थोड़ा वो भी खा लिया। फिर मैंने रात को भी थोड़ा सा चावल बनाया और दही के साथ मिक्स करके खा लिया, बस और कुछ नहीं था। बट चल जो भी हो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, भूखा सोना नहीं पड़ रहा, ये सबसे अच्छी बात है। तो आज के लिए मैं इतना ही, उम्मीद करता हूँ ऐसा पोपट दोबारा ना हो, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जय हिंद।